सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आ चुके एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसे बंदों के लिए जिनके पास यार एक अच्छा डिवाइस नहीं खेलने के लिए, लो इन डिवाइस पे वो लोग खेलते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ, क्योंकि यार काफी ज्यादा लोग मुझे कॉमेंट में रोज बोल रहे थे कि भाई लो इन डिवाइस के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ बता दो, जिससे कि हमारा जो गेम है ना वो ज्यादा अच्छा हो सके और चिकन डिनर हम लो इन डिवाइस पे भी इजिली कर पाए। तो देखो, लो इन डिवाइस पे अगर चिकन डिनर करना है, तुम्हें एक अच्छा रैंक पुश करना है, एस पे जाना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी यार देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। इस वाली वीडियो को लाइक एम रख रहे हैं 20K लाइक्स, तो 20,000 का लाइक एम फटाफट से कंप्लीट करवा देना। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें ना, तो वो ये होने वाला है कि भाई तुम्हें हॉट ड्रॉप्स है ना भाई हमेशा अवॉइड करना है। क्योंकि तुम सभी को पता होगा भाई, जो भी लो एंड डिवाइस पे खेलते हैं ना, तो भाई उन सभी को पता होगा कि जितना ज्यादा बंदे उतरने वाले हैं ना तुम्हारे साथ में, उतना ही ज्यादा तुम्हारा जो गेम है ना वो लैग होने वाला है, तुम्हारा फोन उतना ज्यादा लैग होने वाला है। तो भाई देखो, सिंपल सी तुम एक चीज कर सकते हो, अगर तुम्हें मरना नहीं है शुरू की फाइट्स में, मरने लगोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी माइनस भी लगने वाली है, चिकन डिनर तो तुम भूल ही जाओ इस जगह पे। और आजकल थोड़ा सा रिकॉल का सिस्टम होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बच जाते हैं। लेकिन अगर तुम हॉट ड्रॉप्स अवॉइड करते हो, तुम्हारे पास अच्छी लूट होगी और तुम लैग होने से भी बचे रहोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हारा वो वाला जो पर्टिकुलर एक मैच है वो ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो हमेशा भाई देखो, हॉट ड्रॉप्स अवॉइड करो, तुम्हें भी पता है लैग होने वाला है वहाँ पे जाके, तो मार नहीं पाओगे। 30 FPS तुम्हें मिलेगा, 20 FPS मिलेगा, 10 FPS मिलेगा, तो भाई तुम्हें जाना ही है वहाँ पे। तो अच्छी जगह पे लूट करो पहले, मैच की अच्छी स्टार्टिंग करो, एंड ऐसे तरीके से भाई तुम जो है इजिली चिकन डिनर ले सकते हो। तो गाइस देखो, हम जब भी स्क्वाड्स पे पुश करते हैं ना, तो हम थर्ड पार्टी ज्यादातर करने का सोचते हैं वहाँ पे। तो थर्ड पार्टी अगर तुम्हें करनी है, तो भाई देखो, दो स्क्वाड जब पूरी की पूरी बीच में लड़ाई कर रही हो ना, तब आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है वहाँ पे। क्योंकि यार देखो, चार चार बंदे अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो वही हॉट ड्रॉप वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो पहले तुम एक स्क्वाड को वहाँ पे फिनिश होने दो पूरी, उनकी जब फाइट खत्म हो जाए तब तुम जाके जो है उसी टाइम पे पुश कर सकते हो। तो उसी टाइम पे वो लो भी होंगे, जो बंदे बचे होंगे ना उनकी HP वहाँ पे ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि अभी अभी उनकी फाइट हुई है और वहाँ पे तुम्हारे बंदे भी कम हो चुके होंगे। तो तुम्हें एक स्क्वाड को बस वहाँ पे लपेटना है जाके, एंड इजिली गाइस तुम उन बंदों को जो है वहाँ पे फिनिश कर पाओगे विदाउट एनी लैग। क्योंकि तुम्हें भी पता है, जितने ज्यादा कम बंदे उतना ज्यादा कम लैग। तो भाई लो एंड डिवाइस प्लेयर को मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि यार मैंने भी बहुत ज्यादा खेला ऐसे डिवाइसेस पे। इवन मैंने कई वीडियोस में बताया भी है कि जो मेरा सबसे पहला डिवाइस था ना भाई, जिस पे मैंने खेलना शुरू किया था, वो था रेडमी नोट 1S करके कुछ था, जो भी भाई बहुत ज़्यादा लो एंड डिवाइस था। उसमें 1GB की आई गेस रैम थी और 16GB उसमें इंटरनल मेमोरी थी। तो तुम समझ सकते हो भाई कैसा चलता होगा उसमें गेम। तो यार ये चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, अभी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना, ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये चीज़ तुम्हें हमेशा अवॉइड करना है। और यहीं पे तुम्हारा जो फ़ोन है ना सबसे ज़्यादा लैग होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लोज रेंज फाइट्स की। तो देखो गाइस, क्लोज रेंज फाइट्स है ना, जितना ज़्यादा तुम अवॉइड कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा तुम्हें अवॉइड करना है। सपोज करो तुम्हारे पास में एक ऐसा चांस है जहाँ पे तुम स्प्रे से बंदे डाउन कर सकते हो, तो वहाँ पे भाई अंदर तुम्हें नहीं जाना है, बंदों में क्लोज इन नहीं करना है। जितना ज़्यादा देर तक तुम फाइट ले सकते हो ना, जितने ज़्यादा अच्छे से तुम बंदे मार सकते हो दूर की रेंज से, लाइक लॉन्ग रेंज से, तो गाइस उतने ज़्यादा बंदे तुम्हें लॉन्ग रेंज से ही निपटाने हैं वहाँ पे। क्योंकि जैसे ही तुम क्लोज रेंज में जाओगे, तो भाई ऑब्वियसली तुम्हारे जो FPS है ना वहाँ पे डाउन होने ही वाले हैं। और आजकल देखो, गर्मियों का टाइम है, तुम्हारा फोन ज़्यादा हीट भी होता है। बाकी उनके बारे में मैं भी तुम्हें आगे चल के बताऊंगा कि और चीज़ें क्या फॉलो करनी है। बाकी या क्लोज रेंज फाइट्स तुम्हें ज़्यादातर अवॉइड करनी है। ट्राई करो कि तुम स्प्रेस से ना ज़्यादातर बंदे नॉक कर पाओ। गाइस, जो भी बंदा तुम्हारी टीम में एक अच्छा है, जिसके पास एक अच्छा डिवाइस है, अच्छा खासा हाई एंड डिवाइस है, तो तुम उसको बोल सकते हो कि भाई तू क्लोज रेंज में जा, तू क्लोज इन कर, मैं तुझे पीछे से कवर देता हूँ। तो ऐसे अगर तुम खेलोगे ना, तो भाई तुम इजिली जो है रैंक पुश भी कर पाओगे और तुम्हारी स्क्वाड ज़्यादा से ज़्यादा बार चिकन डिनर ले पाएगी। सो गाइस देखो, जो भी बेसिक पॉइंट्स है ना जो तुम गेम में अप्लाई कर सकते हो, वो तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी। लेकिन अभी तुम्हें बाहर से क्या क्या करना है, फोन पे तुम्हें क्या क्या करना है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखो गाइस, फटाफट से मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तुम्हें जो इन गेम जो अपडेट्स होती है ना, वो तो सारी कर लेनी है, लेकिन जो हमारी फ़ोन की जो अपडेट्स होती है ना, जो फ़ोन की कंपनियाँ हमें बेचती हैं, वो तुम्हें ज़्यादातर अवॉइड करनी है। जब तक कि उसमें कोई सिक्योरिटी का कोई ऐसा ज़्यादा मेजर अपडेट ना हो ना, तब तक भाई तुम्हें जो अपडेट्स है ना वो अवॉइड करनी है। अब क्या होता है ना कि बहुत सी बार जो कंपनियां है ना, वो ऐसे अपडेट पुश करती हैं जिनके हमारी जो फ़ोन पे है ना जो UI है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो उससे हमारा जो फ़ोन है ना वो लैग करने लगता है। नॉर्मल ऐप्स पे भी इवन लैग करने लगता है, और ऐसा आईफोन्स में भाई बहुत ज़्यादा बार होता है। इसलिए भाई मैं मेरे फ़ोन को ज़्यादातर अपडेट करना जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ भाई देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा कि अपडेट के बाद तुम्हारा जो गेम है ना वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो गाइस, वो इसीलिए होता है कि तुम्हें अपडेट्स में तो बोला जाता है कि यार इतने ज़्यादा हम फीचर्स ऐड कर
कर रहे हैं, लेकिन भाई वो तुम्हारा फोन तो इतना ज्यादा पुराना हो चुका है और उस पर तुम नए नए फीचर और डाले जाओगे तो ऑब्वियसली देखो गाइस तुम्हारा फोन इतना ज्यादा हैंडल करने से रहा और वहां पे लैग होना भाई एकदम ऑब्वियस सी बात बन जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है तुम्हें अवॉइड करना है अपनी जो कंपनी होती है, सपोज करो तुम सैमसंग का फोन यूज करते हो या फिर रेडमी का करते हो या फिर पोको का करते हो, जिसका भी करते हो तो फोन की जो अपडेट्स है ना वो अवॉइड करने है तुम्हें हमेशा। एंड गाइज अभी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बता देता हूँ, और ये जो भाई गर्मियाँ है ना भाई, यहाँ पे तुम्हारा जो फोन है ना वो बहुत ज्यादा चीजें सहन करता है, तो ऐसे में गाइज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि तुम कैसे भी करके तुम्हारे फोन को ज्यादा जो है कूल रख पाओ, ज्यादा उसे ठंडा रख पाओ। तो अगर तुम देखो ऐसी जगह पे खेलते हो ना जहाँ पे मतलब बिल्कुल ही गर्मी हो रखी है, तो वहां पे तो तुम्हारा फोन लैग होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम कितना भी हाई एंड डिवाइस ले लो वहाँ पे वो जो है ऑब्वियसली लैग होने ही वाला है। इसी की वजह से भाई मुझे 40,000 का एसी मेरे कमरे में लगवाना पड़ा था, क्योंकि मैं खेल ही नहीं पा रहा था भाई। लिटरली मेरा जो आईफोन 11 है ना वो भाई 10 FPS तक गिर जाता था, इतना ज़्यादा उसमें लैग होता था कि भाई रिकॉर्डिंग करने की तो तुम छोड़ो, मैं एक नॉर्मल जो मैच होता है ना वो भी अच्छे से नहीं खेल पा रहा था वहाँ पे। तो भाई देखो हीटिंग से तो तुम्हें फ़ोन को हमेशा सर्दी हो या गर्मी हमेशा बचा के रखना है, और जितना ज़्यादा तुम इन चीज़ों को अवॉइड करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारी फ़ोन की लाइफ बढ़ेगी एंड उतना ज़्यादा तुम्हारा जो गेम है ना वो स्मूथ चलने वाला है वहाँ पे। तो भाई ये जो पॉइंट है ना सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, इसको तुम अवॉइड कर लोगे ना तो तुमको ज्यादातर जो पॉइंट्स मैंने पहले बताए ना वो शायद जो है फॉलो करने की भी जरूरत ना पड़े, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। तो हीटिंग से तो भाई देखो हमेशा दूर रखना ही है तुम्हारे फोन को, बाकी जो स्टोरेज वगैरह होती है ना वो भी तुम्हें खाली करके रखनी है ज़्यादा। ऐसे जो ऐप्स है ना भारी भारी ऐप्स होते हैं जो तुम्हें यूज़ में नहीं आते वो तुम्हें जो है अनइंस्टॉल कर देने वहाँ पे। तो ये चीज़ें फॉलो करके तुम जो अपना गेम है वो जो है ईजिली स्मूथली रन करवा सकते हो। अब देखो गाइस ऐसा तो नहीं होने वाला है कि तुम्हारा फोन जो है एकदम से 60 FPS देने लग जाएगा, लेकिन हाँ जितना तुम्हारा फोन केपेबल होगा ना जितना ज़्यादा FPS देने का उतने FPS तुम्हें वहाँ पे ईजिली मिल जाएंगे। एंड कोई भी तुम्हें GFX टूल वगैरह वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आजकल भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सब कुछ और तुम्हारा आईडी है ना भाई वो हमेशा 10 ईयर्स के लिए बैन हो सकता है। तो ये चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी फाइल वगैरह यूज़ नहीं करनी, इनसे तुम्हारी जो आईडी है ना वो बैन पक्का हो सकती है वहाँ पे। तो कोई भी चीज़ यूज़ मत करना और ये चीज़ें सारी फॉलो कर लेना। बाकी यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।